कल्चर, नर्चर, फ्यूचर, आवर विजन योर फ्यूचर, मिरेकल ऑफ अर्निंग इन एजुकेशन, कीप यू फर्स्ट, कीप यू अहेड, सर्विंग ह्यूमैनिटी, सर्विंग नेशन, लेट्स यूनाइट फॉर बिगेस्ट एजुकेशनल रेवोल्यूशन, अ विन विन अपॉर्चुनिटी, अ स्कूल फॉर ऑल, इनकम फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सक्सेस फॉर ऑल, लाइफ टाइम अर्निंग, सीड टू सक्सेस, लाइफ इज शॉर्ट, लेट्स कनेक्ट, रीच आउट एंड मेक इट लार्ज. फॉर फ्रेंचाइजिंग इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर राकेश चतुर्वेदी ऑन 9873860000. यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन अनदर नंबर 9354619250. नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह. नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री राधे, बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में. आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी. दिनांक 27 मार्च का राशिफल लेकर के हाजिर हो गया हूं. और जब आप के लिए कार्यक्रम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय मैं रास्ते में हूँ. आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं है. भैया, इस समय हमारी क्वालिटी नहीं ठीक है तो वॉइस क्वालिटी कहाँ से ठीक आएगा. जितने भी कार्यक्रम हमने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं इस वॉइस बेस पे, ये सारे कार्यक्रम मैं वॉइस जर्नी रिकॉर्ड करता हूँ. तो कल्पना कर सकते हैं मेरी तल्लीनता का, आप लोगों की कल्याण की भावना का, कि मैं आप लोगों का कितना कल्याण चाहता हूँ और कितनी शिद्दत से मैं कार्यक्रम किस तरह से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, मैं और मेरी आत्मा जानेगी. बहरहाल, कल से आप लोग वीडियो में हमको पाएंगे साथ में. सिर्फ आवाज़ ही नहीं, मेरा चेहरा भी होगा, मेरी प्रेजेंस भी होगी. आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बताते हैं आज का पंचांग. चैत्र माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है आज. चंद्रमा वृश्चिक राशि में सुबह 8:18 तक, इसके बाद धनु राशि में प्रवेश. नक्षत्र आज का ज्येष्ठा, सुबह 8:18 तक. तदुपरांत मूल ज्येष्ठा का स्वामी बुध, बुध की महादशा में आज का सूर्योदय. योग रहेगा व्यतिपात. तदनुसार दिनांक 27 मार्च, दिन बुधवार. बुधवार को राहु काल का समय होता है दोपहर 12 से 1:30 तक. और गोलिक काल का समय सुबह 10:30 से 12 तक. गोलिक काल में आप कोई भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं. गोलिक काल आपके लिए बहुत पॉजिटिव होता है. राहु काल में कोई भी नया और शुभ काम का आरंभ मत करें, ये काम, ये समय आपके लिए ठीक नहीं है. मेष से लेकर के मीन तक समस्त राशि वालों के लिए आज के पूरे दिन का हाल. इसके अलावा 28 मार्च का बच्चों का एग्जाम टिप, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, सारी जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं एक साथ. तो आइए अब शुरुआत करते हैं. और हाँ, सक्सेस की लेना मत भूलिएगा. पूरे दिन को बेहतर करने के लिए एक खास उपाय हम बताते हैं, प्रयोग बताते हैं. आइए सबसे पहले बता दें अब मेष से लेके मीन तक का आज का राशिफल. मेष राशि, शिक्षा के मामले में आज स्थिति बड़ी सामान्य रहेगी. मजबूती के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे आप, उन्नति के संकेत हैं. कोई भी एग्जाम आदि देना होगा तो उसमें सफलता के क्रम आरंभ होंगे. व्यापार, मेष राशि, 27 मार्च, व्यापार की स्थिति डामाडोल रहेगी. कहीं पर बहुत ज़्यादा खर्च आज परेशान कर सकता है. दोस्ती यारी में कुछ धोखे की संभावना है. व्यापार में बड़े रिस्क टालने पड़ेंगे. प्राइवेट सेक्टर, स्थिति सामान्य है. प्राइवेट सेक्टर में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि के संकेत हैं. हो सकता है कि आज प्रमोशन हो और बॉस आपसे खुश रहे. दिनांक 27 मार्च, मेष राशि, सरकारी क्षेत्र, मेहनत और दबाव अचानक महसूस करेंगे. चीजें एकदम से बिखरने से लगेंगी. स्वयं पर काबू रखना अनिवार्य रहेगा. प्राइवेट सेक्टर के बाद सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र के बाद दाम्पत्य जीवन. मेष वालों की मैरिड लाइफ में आज उठापटक ज़्यादा रहेगा. चंद्रमा का वृश्चिक राशि में प्रवेश, ये आपके अष्टम में रहेगा.
कल का झगड़ा अभी शांत नहीं हो पाएगा। मेष राशि लव लाइफ, स्थिति बहुत अच्छी है, आज एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह बढ़ेगा। मेष राशि स्वास्थ्य, सर में दर्द, पेट की तकलीफ, डाइजेशन प्रॉब्लम आज परेशान करेगा। क्या विशेष उपाय करना चाहिए? एक चुटकी काले तिल सरसों 3 बार वार के पीपल के नीचे रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज राज की बातें अपनी साझा मत करिएगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 55। वृषभ राशि, उठापटक आज कुछ ज़्यादा हो सकता है। शिक्षा में कई तरह की रुकावटें परेशान करेंगी। कुछ नोट्स दोस्त आपके ले लेंगे और आनाकानी करेंगे देने में। व्यापार की स्थिति वृषभ राशि वालों की 27 मार्च को रिस्क से भरी हुई है, हानि होते होते बच जाएगी। कुछ सरकारी मशीनरी से भी लड़ाई झगड़ा संभव है। वृषभ राशि, प्राइवेट सेक्टर स्थिति ठीक है, नई नौकरी की संभावनाएं हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, विशेष लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 27 मार्च सरकारी क्षेत्र, बेहद आनंददायक दिन रहेगा। किसी अनजान डर से थोड़ा सा मन आशंकित रहेगा, लेकिन सरकारी क्षेत्र वालों को आज काम करने का आनंद अलग ही आएगा। वृषभ राशि, दाम्पत्य जीवन उठापटक ज़्यादा रहेगा, धन की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल रहेगी, निवेश का लाभ आपको प्राप्त होगा, अनुकूलता आपके साथ जुड़ी रहेगी। लव लाइफ वृषभ राशि, आज डेट पे गदा भी ना जाएं, शादी की चर्चा टाल दें, आज ब्रेकअप की संभावनाएं बन रही हैं, मन की चंचलता पर काबू रखें। क्या उपाय आपको करना है बताएंगे, पहले स्वास्थ्य जान लीजिए। सर में कुछ भारीपन और माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। उपाय क्या करना है? उपाय के नाम पर थोड़ा सा अभी दूर्वा और हल्दी टच करके गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज के दिन अपनी किसी भी सामान को, अपने किसी भी सामान को किसी को उधार नहीं देना है। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 62। मिथुन राशि, शिक्षा में आज अवरोध के साथ पूर्णता भी है, पुरानी शिक्षा का लाभ आपको मिलेगा, महिला मित्र की मदद मिलेगी, परीक्षा में आज अनुकूलता है। व्यापार की स्थिति मिथुन राशि वालों को आज अच्छी दिखाई दे रही है, बिजनेस में बड़ा निवेश का ऑफर मिल सकता है, आज लाभ प्रतिशत 32 बढ़ेगा, अकस्मात धन की प्राप्ति है। प्राइवेट सेक्टर मिथुन राशि, 27 मार्च बुधवार 2019, नौकरी में आज कुछ विरोधी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, कोई महिला आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रही होगी, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। मिथुन राशि सरकारी क्षेत्र, मेहनत से नहीं भागेंगे तो आज लाभ आपके चरणों को चूम लेगा, कई तरह से शुभता आपके साथ जुड़ी रहेगी। मिथुन राशि दाम्पत्य जीवन, भैया आज धर्मपत्नी को पूजा करें, जितना उनका मान मनोबल करेंगे दाम्पत्य जीवन में लाभ उतना ही दिखाई देगा, अन्यथा आज मिथुन वालों के लिए घर का खाना नसीब नहीं होगा शाम का, ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ स्थिति बहुत अच्छी है, चीजें मैनेज कर रहे हैं, जिसका लाभ आपको मिल रहा है। लव लाइफ में आज डेट पर जा सकते हैं, आज मिलना बहुत जरूरी है। मिथुन राशि स्वास्थ्य, माइग्रेन और स्किन की प्रॉब्लम परेशान करेगी, क्या उपाय करना चाहिए आपको? आज शहद शिवलिंग पर अर्पित करें। क्या नहीं करना है? आज किसी महिला का अनादर मत करिएगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 70। कर्क राशि, विलक्षण दिन कहा जा सकता है, प्रसन्नता हासिल होगी, शिक्षा में बहुत उन्नति आएगी,
पुरानी किसी शैक्षणिक समस्या से बाहर निकलेंगे। रुपए पैसे को लेकर की मजबूती रहेगी। बिजनेस कर्क राशि 27 मार्च। व्यापार की स्थिति डावाडोल है। व्यापार में आज कई तरह की उठापटक देखने को मिल सकती है। बिजनेस में आज सोचा भी नहीं होगा कुछ ऐसा समस्याएं परेशान करेंगी। प्राइवेट सेक्टर कर्क राशि। नई नौकरी की संभावना, महिला मित्र की मदद, पुरानी समस्या से बाहर निकलना। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी भी बढ़ सकती है। विदेश से अवसर की प्राप्ति। कर्क राशि 27 मार्च। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी वालों को निवेश का लाभ मिलेगा। राजनीति में जाने का मन बना सकते हैं। क्लास वन ऑफिसर्स के लिए आज कुछ फंसने फंसाने की स्थिति आ सकती है। अगर आपका कोई क्लास वन ऑफिसर दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पति हो, पत्नी हो, तो उसे आगाह करें, आज आपको ट्रैप किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन कर्क राशि। दाम्पत्य जीवन में आज पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कई पुराने समस्याओं से आप लोग बाहर निकलेंगे। संतान के प्रति आपके दायित्व पूर्ण हो जाएंगे। लव लाइफ, स्थिति बहुत अच्छी है। आज शादी की बात फाइनल कर सकते हैं। मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। क्या उपाय करना चाहिए आपको बताएंगे, लेकिन स्वास्थ्य जाने। आज पेट, किडनी, लीवर प्रॉब्लम कर सकती है। उपाय के नाम पर सिर्फ एक उपाय आपको मैं बताऊंगा। गाय को आज एक रोटी गुड़ के साथ खिला दीजिएगा। क्या नहीं करना है। आज के दिन किसी की पर्सनल लाइफ में ताक झांक मत करिएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 68। सिंह राशि, स्वास्थ्य में विशेष लाभ मिलेगा, जिसके कारण शिक्षा में मन लग रहा है। आज आपकी शिक्षा पर आपके माता पिता आदि को गर्व होगा। सिंह राशि वालों के लिए कई अन्य प्रकार के सकारात्मक संदेश प्राप्त होने वाले हैं। आज कोई जीवन में प्रवेश भी कर सकता है। सिंह राशि व्यापार, बड़े रिस्क का आज बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। चतुर्थ से पंचम में चंद्रमा का संचरण आपके लिए कई तरह की सौगात दे देगा। प्राइवेट सेक्टर, यहां पर मामला उठा पटक वाला दिखाई दे रहा है। ज्यादा सोच करके कुछ ज्यादा पाने की चाहत रखना ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। अगर आपकी राशि सिंह है तो सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र में मेहनत बहुत करेंगे, लाभ मिलेगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज माता पिता को लेकर के कुछ चिंतित हो सकते हैं आप। नेक्स्ट दिनांक 27 मार्च सिंह राशि दिन बुधवार। लव लाइफ और मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ की स्थिति डावाडोल रहेगी। आज पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, जिसके कारण कई तरह के झगड़े आप दोनों के बीच हो सकते हैं। कोई महिला आप लोग के झगड़े का आनंद ले सकती है, सावधान रहें। लव लाइफ की स्थिति आज बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण रहेगा। अकस्मात परिस्थितियां बना ले जाएंगे, आप अनुकूलता में कन्वर्ट कर लेंगे। आप लव लाइफ में आज बहुत ज्यादा यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहीं प्रेमिका से मिलने प्रोग्राम बना लिया हो 250-300 किलोमीटर तो मत जाइएगा। स्वास्थ्य, बोन्स की दिक्कत आज परेशान कर सकती है सिंह राशि वालों, हड्डियों की दिक्कत। क्या उपाय करना चाहिए आप। आज सिंह राशि वालों को दाल का दाग, जरूरतमंद को दाल का दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना आज। आज इधर की उधर करने से बचने की आवश्यकता है। शुभ रंग आपके लिए आज स्लेटी है। भाग्य प्रतिशत 66। कन्या राशि,
चमत्कारिक रूप से लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आज कन्या राशि वालों को शिक्षा में कहीं से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, नौकरी लग जाए, आज कहीं इंटरव्यू देने जा सकते हैं। कन्या राशि, व्यापार, ज़्यादा सोचना आपके लिए भारी पड़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन खर्च की अधिकता परेशान करेगी, विदेश से व्यापार के अवसर खुलेंगे। आज कन्या राशि वालों के लिए संभव है कि व्यापार के लिए कुछ निवेशक आपको प्राप्त हो जाए। कन्या राशि, प्राइवेट सेक्टर, बहुत दूर जाकर के नौकरी करने की चाहत पूरी हो सकती है। दोस्त आपकी मदद करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बढ़ सकती है। कन्या राशि, सरकारी क्षेत्र वालों के लिए स्थितियां सामान्य नहीं हो पाएंगी, बॉस के साथ नोकझोंक बढ़ सकता है, अकस्मात परेशानी समस्या कुछ इस तरह से प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि, पुरानी किसी समस्या से बाहर निकलेंगे, पति पत्नी का तालमेल बना रहेगा, लव लाइफ में भी आज डेट पर जा सकते हैं, शादी की बात फाइनल हो सकती है या आज सगाई की भी डेट पड़ सकती है। स्वास्थ्य, कुछ लीवर से संबंधित समस्या आज परेशान करेगी। उपाय क्या करना चाहिए, आज एक लाल रंग का रुमाल अपने पास रख लीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज कन्या राशि वालों को ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 72। तुला राशि, आज शिक्षा अधूरी रह सकती है, कुछ टीचर्स के साथ मनमुटाव हो सकता है, परिस्थितियों को एकदम से उलट फेर के साथ देखने को मिलेगा। व्यापार, तुला राशि 27 मार्च, बिजनेस का क्षेत्र आज अच्छा चमकेगा, व्यापार में आज उन्नति प्राप्त होगी, आज पार्टनरशिप बच जाएगी। तुला राशि, प्राइवेट सेक्टर, विदेश से शुभ अवसर प्राप्त होंगे, दोस्त की मदद से नौकरी में उन्नति होगी, बॉस आज आपसे प्रसन्न रहेंगे, कोई महिला बॉस आज आपको प्रपोज कर सकती है। सरकारी क्षेत्र, स्थिति सामान्य है, मेहनत आज अच्छा खासा मिलने वाला है, तुला वालों को आज कहीं कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी आज नाराज हो सकती है, रूठ सकती है, कुछ उपहार ले जाने की कोशिश करिएगा, अंत भला तो सब भला। तुला राशि, लव लाइफ की स्थिति में आज डावाडोल मामला दिखाई दे रहा है, आज प्रेमिका के साथ मानसिक मनमुटाव हो सकता है, बिना विचारे कदम बढ़ाएंगे तो स्थितियां ऐसी ही होती हैं। क्या उपाय करना चाहिए आपको बताएंगे, पहले स्वास्थ्य जाने। तुला वालों के स्वास्थ्य में आज अकस्मात चोट चपेट की संभावना है, लेकिन फिर भी चीजें बहुत अनुकूल हैं आपके लिए। तुला राशि, स्वास्थ्य के लिए ज्वाइंट्स में पेन हो सकता है, हो सकता है कि बिना सोचे समझे अगर कुछ कर रहे हो तो वो ज्यादा उलझा दें आपको। तुला राशि वालों के लिए आज उपाय के तौर पर चीनी और एक तुलसी की पत्ती खा करके और फिर आप घर से निकलें। क्या नहीं करना है, आज आज के दिन बड़ों का अनादर नहीं करना है। सफेद रंग शुभ है आपके लिए, भाग्य प्रतिशत 63। वृश्चिक राशि, आज शिक्षा पूरी होने वाली है आपकी, पढ़ाई में मन लगेगा, चंद्रमा आपकी राशि में सुबह 7 बजे तक है,
मन आज सुबह से ही कुछ प्रसन्न रहेगा, चीजें बड़ी अच्छे से मैनेज करेंगे आप, लाभ के रास्ते खोल लेंगे। व्यापार, वृश्चिक वालों के व्यापार में आज उठापटक देखने को मिलेगा। व्यापार हो सकता है आपकी आज प्रभावित हो जाए। बिजनेस में रिस्क ना लें और किसी भी दोस्त पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, नहीं तो मामला आज गड़बड़ हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर, वृश्चिक राशि, परिवर्तन का समय है। नौकरी बदल सकते हैं, डेस्क अपने आप बदल जाएगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। शाम 3 बजे के बाद खुशखबरी है। सरकारी क्षेत्र, यहाँ मामला बहुत तरह से उलट फेर वाला रहेगा। बिना सोचे समझे आज सरकारी क्षेत्र में कुछ उठापटक देखने को मिल सकता है। आज बॉस आप पर गाज गिरा सकता है। दाम्पत्य जीवन, बम बम स्थिति है। पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा, पत्नी आपसे प्रसन्न रहेगी। आज कुछ परिस्थितियां बेहद अनुकूल मिलेंगी, चीजें खुश रखेंगे आपको। वृश्चिक राशि, लव लाइफ, प्रेमिका तो रूठेगी लेकिन प्रेमी मनाने में आज बहुत प्रसन्न नजर आएगा। चंद्रमा का नक्षत्रीय परिवर्तन मूल लगाना आप दोनों को करीब ले आएगा। क्या उपाय करना चाहिए बताएंगे, पहले स्वास्थ्य जानें। वृश्चिक वालों को आज हेल्थ वाइज आलस्य परेशान कर सकता है, थोड़ा सा गले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आँख से पानी आने की शिकायत हो सकती है। उपाय के तौर पर काले तिल अपने पास कागज में रख लें शाम तक के लिए, शाम को फेंक दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज वृश्चिक राशि वालों को अपने सीक्रेट से शेयर नहीं करने हैं। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 68। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज एक और खास बात है, जल्दी बाजी मत करिएगा। धनु राशि, शिक्षा आपकी पूरी होने जा रही है, शिक्षा में कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। शैक्षणिक अवस्था आपकी बहुत प्रसन्नता वाली रहेगी। शिक्षा में कुछ मित्रों का भी साथ आज पॉजिटिव रहेगा। व्यापार, धनुराशि वालों के व्यापार में आज थोड़ा सा सेंध लग रहा है, घाटा हो सकता है, नए कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल सकते हैं, सावधान रहें। प्राइवेट सेक्टर, अकस्मात धन लाभ के संकेत हैं, निवेश किया जा सकता है, बॉस प्रसन्न रहेंगे। सरकारी क्षेत्र, नौकरी में उन्नति है, प्रमोशन है, नए कार्य की जिम्मेदारी है। दाम्पत्य जीवन, उलट फेर जरा बड़ा हो सकता है, पत्नी आज अकस्मात आपसे उलझ सकती है, बच्चों की वजह से कुछ परिवार में चिंता के कारण बन सकते हैं। धनु राशि, लव लाइफ, स्थिति बहुत अच्छी है, प्रेमिका आज प्रसन्न रहेगी, डेट पर जा सकते हैं, शादी की चर्चा शाम को 4 बजे के बाद किया जा सकता है। धनु राशि, स्वास्थ्य, आज तलवे में और एड़ियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ निकल आएगा, सावधान रहें। उपाय क्या करना चाहिए, आज हरी सब्जी का दान मजदूरों को करें। क्या नहीं करना है, आज स्वयं पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाएं। क्या उपाय करना चाहिए आपने जाना। शुभ रंग आपके लिए धनुराशि वालों के लिए काला, भाग्य प्रतिशत 68। मकर राशि, शिक्षा आज पूर्णता की तरफ बढ़ रही है, शिक्षा में कई प्रकार के अवार्ड मिल सकते हैं, आज मन लगाकर पढ़ने का आनंद आएगा। मकर वाले, 27 मार्च दिन बुधवार, व्यापार में आज बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रशासनिक अड़चनों में आज उलझ सकते हैं, सरकारी क्षेत्र से संबंधों को मधुर रखने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर, परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं, नई नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं,
चंद्रमा का प्रवेश आपकी राशि में होने वाला है। आज बहुत आनंद पूर्वक जिंदगी को आगे लेकर के जाएंगे, शुभता आपके साथ जुड़ी रहेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज धनु राशि वालों के जीवन में, माफ कीजिएगा, मकर वालों के जीवन में आज एक नई ऊंचाई छूने का अवसर सरकारी क्षेत्र में छूने को मिलेगा। हाँ, आपको ही बताया है कि वृश्चिक वाले से आज थोड़ा सा सावधान रहें आप। चीजें आज मैसअप ना होने पाए सरकारी क्षेत्र में, जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन आज पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा, हर तरह से आज लाभ के संकेत मिलेंगे। आज जीवन में एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आज पति पत्नी के बीच तालमेल बैठेगा। लव लाइफ सामान्य है स्थिति। लव लाइफ में किसी अन्य का प्रवेश होने होने से रह गया, चीजों को आज अच्छे से आप मैनेज कर रहे हैं, जो कि बेहद सकारात्मक और शुभ है। आपके जीवन का अंश ही बहुत पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के मामले में आज शुगर लेवल और हार्ट की प्रॉब्लम शाम 4:25 के बाद परेशान कर सकती है, ध्यान दीजिएगा, आगाह कर दिया हूं। उपाय, किसी महिला को कुछ फल का दान कर दें। क्या नहीं करना आज, शाम के टाइम दोपहर के बाद लंबी यात्रा अवॉइड करिएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, शिक्षा का स्तर आज ऊंचा उठेगा, शिक्षा में उन्नति के संकेत है। भाई बहन के बीच का तालमेल बैठ जाने से भी शिक्षा में मन लगने लगेगा। व्यापार मामला उठा पटक वाला रहेगा, सरकारी मशीनरी से निराशा मिलेगी, कोई टैक्स वगैरह के झंझटों में भी फंसने के चांसेस दिखाई देते हैं। कुंभ राशि वाले बिजनेसमैन आज निवेश कम करें। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर, निवेश का लाभ मिलेगा। आज कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन हो सकता है। महिला मित्रों का साथ आज आपके साथ जुड़ा रहेगा। सरकारी क्षेत्र, अकस्मात थोड़ा सा मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। आज हो सकता है सरकारी क्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियों से आप भागें और उसकी वजह से आपके कार्य पर प्रभाव पड़ जाए। मकर राशि, कुंभ राशि, आज चीजें बहुत मैनेज होकर चलानी पड़ेगी। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए आज मामला बिल्कुल ठीक है, बस प्रसन्न तो रहेंगे लेकिन फिर भी सावधान रहें तो अच्छा है। कार्य क्षेत्र में प्राइवेट और सरकारी दोनों वालों के लिए लगभग कमोबेश समान फल मिलेगा। प्राइवेट में बस बॉस का एक सकारात्मक रहेगा, यहाँ नकारात्मक रहेगा। दाम्पत्य जीवन, कुंभ राशि, 27 मार्च बुधवार। कुंभ राशि वालों के दाम्पत्य जीवन का प्रभाव आज बहुत शुभ है। पति पत्नी पैचअप की तरफ आगे बढ़ेंगे, ससुराल से रिश्ते मधुर हो जाएंगे। आज साले के लिए कोई रिश्ता आ सकता है। लव लाइफ, कुंभ राशि, यहाँ पर स्थिति डामाडोल तो है, संभालने की आवश्यकता भी है। लव लाइफ में आज डेट पर ना जाएं तो बेहतर है। क्या उपाय करना चाहिए आपको? अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज के दिन रोटी में घी लगाकर गाय को खिला दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज के दिन अपना वाहन किसी को उधार नहीं देना है। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 66। अंतिम राशि मीन,
शिक्षा के मामले में आज उठा पटक जाता रहेगा। कई मामलों में आज मस्तिष्क से आप इधर या उधर उलझे उलझे से नजर आएंगे। आज मीन राशि वालों के बिजनेस में मामला ठीक नहीं है। निवेश का लाभ तो मिल रहा था, लेकिन आज कुछ हानि भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोच करके कदम मत बढ़ाइएगा, स्थिति ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, नई नौकरी की संभावनाएं हैं। दक्षिण दिशा से नया ऑफर आ सकता है। देश के बाहर जाके भी नौकरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा करने का लाभ आपको मिलेगा। बॉस प्रसन्न रहेंगे, शाम तक अवार्डेड हो सकते हैं, अवार्ड मिल सकता है। महिला अधिकारी के साथ कुछ मतभेद बढ़ सकता है। क्या विशेष करना चाहिए आपको? अगर आपकी राशि कुंभ है, मीन है, तो आज सरकारी क्षेत्र में बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाइएगा। दाम्पत्य जीवन में मीन राशि वालों को आज पत्नी के साथ उलझने के कई अवसर आए। कल्चर, नर्चर, फ्यूचर, आवर विजन योर फ्यूचर, मिरेकल ऑफ अर्निंग इन एजुकेशन, कीप यू फर्स्ट, कीप यू अहेड, सर्विंग ह्यूमैनिटी, सर्विंग नेशन, लेट्स यूनाइट फॉर बिगेस्ट एजुकेशनल रेवोल्यूशन, अ विन विन अपॉर्चुनिटी, अ स्कूल फॉर ऑल, इनकम फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सक्सेस फॉर ऑल, life time earning seed to success, life is short, let's connect, reach out and make it large. For franchising inquiry please contact Mr. Rakesh Chaturvedi on 9873860000. You can also contact on another number 9354619250.